गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगले दशक में भारत की जीडीपी लगभग 7% की दर से बढ़ेगी। अगर यही रफ्तार रही तो 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अमेरिका को पछाड़ भारत बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की इकोनॉमी पर ग्लोबल बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बड़ा ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में भारत की ग्रोथ अगर इसी स्पीड से बढ़ती है तो भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगले दशक में भारत की जीडीपी लगभग 7% की दर से बढ़ेगी। अगर यही रफ्तार रही तो 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आज हम अपने इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में भारत चीन के बड़े विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत सरकार ग्लोबली कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने के लिए लगातार निवेश कर रही है। इसका फायदा ग्लोबल कंपनियां उठाना चाहती हैं, जिसके लिए वो तेजी से भारत में निवेश कर रही हैं। भारत में चीन के विकल्प में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, ग्लोबल कंपनियां भी इस मैन्युफैक्चरिंग हब का हिस्सा बनने को तैयार हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत में निवेश और एक्सपोजर बढ़ाने का ये सही और बढ़िया मौका है। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, यूरोपीय कंपनियां काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में निवेश को आतुर हैं। ताइवानी कंपनियां भी भारत की ओर तेजी से रुख कर रही हैं। ग्लोबल बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की बात करें तो चीन में यूरोप का एक्सपोजर 28% है और भारत में 2%। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि चीन के वैकल्पिक तौर पर अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो भारत में एक्सपोजर रेट बढ़ाना होगा। यूएस डॉलर में जब मजबूती आती है तो रुपया हमेशा आउट परफॉर्म करता है। भारत की ग्रोथ और इन्फ्लेशन मिक्स में सुधार हुआ है। इसके अलावा जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से लेबर की चिंता नहीं है, इसलिए आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में फिलहाल भारत 5वें नंबर पर है। अमेरिका 23.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चीन 17.7 लाख करोड़ डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसकी जीडीपी 4.9 लाख करोड़ डॉलर है। चौथे नंबर पर 4.3 लाख करोड़ डॉलर के साथ जर्मनी का नंबर आता है। 3.2 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ भारत 5वें स्थान पर है। छठे स्थान पर ब्रिटेन है, जिसकी इकॉनमी 3.1 लाख करोड़ डॉलर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2075 में भारत की अर्थव्यवस्था 52.5 लाख करोड़ डॉलर होगी। 57 लाख करोड़ डॉलर के साथ चीन टॉप पर होगा। वहीं 51.5 लाख करोड़ डॉलर के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर, 30.3 लाख करोड़ डॉलर के साथ यूरोप चौथे पर और 7.5 लाख करोड़ डॉलर के साथ जापान 5वें स्थान पर होगा। ग्राफ बताता है कि साल 1980 से 2010 तक भारत की जीडीपी दूसरे देशों की तुलना में काफी कम थी। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि सरकार का कैपेक्स निवेश लगातार करने पर फोकस है। भारत सरकार ग्लोबली कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने के लिए लगातार निवेश कर रही है। क्या भारत में महंगाई कम हो रही है? इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है?